स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेई मेंस की एक नई सीरीज जिसका नाम है बेस्ट ऑफ जेई मेंस। इसके अंदर स्टूडेंट हम पिछले साल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं आपने हो सकते हैं किए हों भूल भी सकते हैं आप, लेकिन इन सवालों को आपको तब तक याद रखना है जब तक कि आपका लास्ट एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा देखिए इसमें हम कुछ और क्वेश्चन जो है वेरियस सोर्सेज से लेंगे। मैंने एक किताब जो है वो जनवरी 2020 में लॉन्च की थी, शॉर्टकट्स टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके अंदर मैंने पिछले सालों के जेई मेंस और एडवांस के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल मेथड से किया हुआ है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस सीरीज को अगर आप रेगुलर करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस कम से कम 25% इंक्रीज होगी। आप जो सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं उसमें आपको और बेस्ट रैंक मिलेगी और बेटर रैंक हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। आपके दिमाग में कई बार ये भी जाता होगा कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जेई मेंस के लिए। तो कुछ टॉपिक्स स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो जेई मेंस के लिए श्योर शॉर्ट इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं 2019 एंड 2020 दोनों सालों में थोड़े से चेंजेस के साथ। जैसा कि आप पहले सवाल आते रहे इस दोनों सालों में पहले के मुकाबले कुछ ऐसे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं जिनमें सवाल जो है जरूर आ रहा है। और उसके अलावा स्टूडेंट किसी भी चैप्टर को आपको क्या करना है आखिर तक पढ़ना है। कई सवाल ऐसे आए हैं जो चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक से आए हैं, इसलिए आपको ये मिस नहीं करना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैं उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अभी बता रहा हूँ और फिर अगले लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। मैं यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख रहा हूँ स्टूडेंट, इनमें से देखिए जो आपका 11th पार्ट है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस और इसके अंदर स्टूडेंट्स एरर्स का ही पार्ट आता है, एरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा जो चैप्टर आपका सेंटर मास या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन या रोटेशन, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा वर्क एनर्जी पावर ऑर्डर, आप इसको इधर ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और चौथा चैप्टर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन। अगला जो चैप्टर स्टूडेंट केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। और देखिए 12th वाले चैप्टर्स स्टूडेंट उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसमें भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल और चार्ज शीट, ठीक है स्टूडेंट। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर आपका वो है EM वेव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें से हर सेट में सवाल आया है। और ऑप्टिक्स में स्टूडेंट आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट यहां पे आपको इन सारे चैप्टर्स को तो अच्छी तरह कर ही लेना है। इनमें से सवाल पहला जो चैप्टर है वो आपका यूनिट एंड डायमेंशंस, आप यूजुअली इसको बहुत लाइटली लेते हैं और कई बार छोड़ देते हो, लास्ट में केवल फॉर्मूले याद कर लेते हैं और एग्जाम पे थोड़ा सा ट्विस्ट अगर सवाल में आता है तो छूट जाता है। तो स्टूडेंट इसकी गलती मत करिए, इस चैप्टर से एक सवाल तो आएगा ही, कभी कभी दो सवाल आते हैं, एक डायमेंशंस पर एक एरर पे आता है, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट केवल ये मतलब नहीं है कि केवल इन्हीं चैप्टर्स को करना है, इनको तो करना ही है, इसके अलावा जो है फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को आपको उतनी अच्छी तरह से करना है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इनको बहुत ही गहराई से करना है और आखिर तक करना है हर चैप्टर को, ठीक है स्टूडेंट। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा और आपकी रैंक जो है बहुत अच्छी आएगी, ठीक है स्टूडेंट। पहला सवाल है जेई मेंस 2020 का जो जनवरी में हुआ था। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, ए 60 HP इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट्स एन एलिवेटर हैविंग मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ऑफ 2000 kg। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एलिवेटर इज 4000 N, द स्पीड ऑफ द एलिवेटर एट फुल लोड इज क्लोज टू, और स्टूडेंट ये आपको दे रखा है 1 HP = 746
वॉट जो एज यूजुअल होता है, और जी की वैल्यू लेनी है आपको 10 m/s², ठीक है स्टूडेंट। और ये आपके चारों ऑप्शन हैं, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो मोटर है वो जो है उसको इतना फोर्स लगाना है जो ओवरकम करे लोड को और फ्रिक्शन को। तो देखिए यहां पे इसकी बेल्ट सपोज करिए, दिस इज सिचुएशन लाइक दिस। अब इसमें जो लोड है यहां पे वो हमारा हो गया 2000 kg, दैट मीन जी जो है 10 है, तो ये हो गया 20,000 N। ओके, जो नीचे की तरफ होगा, ठीक है स्टूडेंट। और फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है, मीन्स ये मोटर जो है अपना फोर्स इधर लगाएगी डोरी के टेंशन की वजह से, और इस फ्रिक्शन को ओवरकम करना है और इस वेट को ओवरकम करना है, ठीक। तो जो टेंशन या फोर्स जो लगाएगी ये मोटर वो बराबर होगा दिस 20,000 N प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। और फ्रिक्शन फोर्स स्टूडेंट दे रहेगा आपको 4,000 N, ओके। तो स्टूडेंट ये निकल के आ गया आपका 24,000 N, इतना फोर्स जो है मोटर को लगाना पड़ेगा टू ओवरकम दिस लोड ऑफ द पैसेंजर्स एज वेल एज द फ्रिक्शन फोर्स, ओके। और हमें इसकी पावर दे रखी है, तो यूजिंग द रिलेशन पावर बराबर होता है स्टूडेंट एफ डी, यहां पे हमें पावर 60 hp दे रखा है, इसको हम वॉट में बदल देंगे स्टूडेंट। फोर्स हमें 24,000 N चाहिए और वेलोसिटी करेस्पॉन्डिंग निकालना है, ओके। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट वी निकल के आएगा करीब करीब 1.9 m/s, ओके। तो स्टूडेंट आपका इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है स्टूडेंट। अगला सवाल है, ए सैटेलाइट ऑफ मास एम इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड यू फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, आफ्टर इट रीचेस हाइट कैपिटल आर, जिसमें आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इट इजेक्ट्स ए रॉकेट ऑफ मास m/10, सो दैट सब्सिक्वेंटली सैटेलाइट मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट इज स्टूडेंट, ये ऑप्शन हमें निकालने हैं, कैपिटल जी द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड मास ऑफ द अर्थ के टर्म में निकालना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट जेई मेंस 2020 में आया हुआ है, जो जनवरी में हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें एक समझना है कि सैटेलाइट को किस तरह से एस्टेब्लिश किया होगा। तो इसके लिए देखिए मैंने यहां पे अर्थ बना ली, जिसका मास मैंने यहां पे कैपिटल एम और इसका रेडियस कैपिटल आर, और यहां से जो है सिस्टम मींस जिसमें सैटेलाइट है उसको फायर कर दिया यू वेलोसिटी से, ठीक है स्टूडेंट। और जब ये आर ऊंचाई पे पहुंच गया सरफेस ऑफ अर्थ से, तो यहां पे जो है क्या किया, इसकी वेलोसिटी वी वाई होगी जो हमें पता नहीं है अभी। इसमें से सैटेलाइट को स्टेब्लिश करने के लिए एक रॉकेट फायर कर दिया इधर, कितना m/10 मास का, जिसकी वेलोसिटी सपोज करो vx के बराबर, ओके। और इसके थ्रस्ट से बैकवर्ड जो मोमेंटम मिलेगा सैटेलाइट को मिलेगा, जिसका मास है 9 m/10, और सैटेलाइट को एक ऑर्बिटल स्पीड चाहिए वीओ के बराबर, जिसकी वजह से फिर यह सैटेलाइट जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगेगा, जिसका रेडियस हो जाएगा 2r के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ऑर्बिटल जो स्पीड जो है 2r हाइट पे इतनी चाहिएगी, जी एम अपॉन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज दिस। और इसको कहां से मिलेगा, इसको इसके रॉकेट के थ्रस्ट से मिलेगा, रॉकेट इधर फायर हो जाएगा, इसको बैकवर्ड मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं वी वाई कितना होगा आर हाइट के बाद, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं स्टूडेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने पे मैकेनिकल एनर्जी के प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के प्लस यू फाइनल। तो अर्थ सरफेस पे स्टूडेंट ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की 1/2 m², और पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r। अर्थ सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसी भी बॉडी की जो m मास की है -gmm/r के बराबर, ओके। और जब सर्टेन हाइट पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी 1/2 m v/2 एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी gmm/2r, क्योंकि इसकी हाइट इस टाइम कितना हो चुका है स्टूडेंट 2r के बराबर हो गया है, सॉरी r इधर और r सेंटर से डिस्टेंस हो गया 2r, ओके। यहाँ पे अभी सिंगल यूनिट है m मास की, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो v निकल के आएगा स्टूडेंट अंडर रूट u² -gm/r, ओके।
ये वेलोसिटी आ गई हमारी वी वाई निकल के। अब इसके बाद यहां पे रॉकेट जो फायर किया है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, तो यहां इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो, तो बाद में दोनों का मिला के जिसमें रॉकेट भी है और सैटेलाइट भी है, दैट इज मास ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट जो हमने वी एक्स लिए प्लस मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ओके, तो यहां से स्टूडेंट हमारा वी एक्स निकल के आ गया कितना, मास ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई मास ऑफ रॉकेट। ओके, तो स्टूडेंट इसमें हमने देखिए सैटेलाइट का यहाँ पे मास रख दिया 9m/10 डिवाइडेड बाई रॉकेट का मास m/10 एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये निकल के आ गई स्टूडेंट माइनस वी नॉट बाई दिस इज 9v0। ओके, तो स्टूडेंट इतनी वेलोसिटी चाहिए और इसमें मैग्नीट्यूड केवल चाहिए आपको, तो वी एक्स बराबर आ गया 9 और ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट जीएम बटा 2r। ओके, तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, यहां से हमने वीओ की वैल्यू यहां रख दी, वी एक्स हमारा ये निकल आया, वी वाई हमारा ये निकल आया, अब रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। एक्चुअली रॉकेट अब अल्टीमेटली इस तरह से जाएगा, वी एक्स इधर, वी वाई इधर, कहीं इंक्लाइंड इस तरह से जाएगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट बराबर होगी स्टूडेंट हाफ इसका मास m/10 एंड वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ओके, और जब हम वी एक्स की वैल्यू ये रखेंगे यहाँ से, वी वाई की वैल्यू ये रखेंगे यहाँ से, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो हमारा ऑप्शन आएगा बी। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट अगला सवाल है, ए लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ रेडियस आर कैरीज टाइम डिपेंडेंट करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट टी इंटू 1-t, ए रिंग ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस कोएक्सियली नियर इट मिडिल। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1 सेकेंड द इंड्यूस करंट आई आर एंड इंड्यूस ईएमएफ वी आर इन द रिंग चेंज्ड एच। ये स्टूडेंट चार ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, इनमें हमें सही ऑप्शन निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी सवाल जो है आपका जेई मेंस 2020 जनवरी का है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो सवाल में डेटा दे रखे हैं उसमें देखिए एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जो मैंने ये बना दिया आपकी। ठीक है स्टूडेंट, ये जो सोलिनॉइड आपकी इसके एक्सिस जो है इधर आ गई, इसी की एक्सिस को कॉन्साइड करते हुए रिंग है ये। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है यहां पे आ रही है। ठीक, इसका रेडियस तो स्टूडेंट आर के बराबर है लेकिन इसका 2r के बराबर है, यहां से यहां तक 2r हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें ये बताना है कि जो इसमें इंड्यूस करंट होगी बिकॉज ऑफ द करंट आई इन दिस रिंग के अंदर जो है वो इंड्यूस करंट और ईएमएफ को चेक करना है टाइम के साथ इन द इंटरवल 0 to 1 second। ओके स्टूडेंट, देखिए लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, सबसे पहले आपको फ्लक्स निकालना होगा इस रिंग के अंदर। लेकिन अगर सोलिनॉइड का फील्ड हम निकालते हैं तो सोलिनॉइड का फील्ड केवल इसकी एक्सेस पे आएगा और रिंग का एरिया बहुत बड़ा है, तो हम पूरी रिंग में इस फील्ड की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाएंगे फाई, हम इस रिंग को हम मान लेते हैं 1 और सॉरी सोलिनॉइड को रिंग को मान लेते हैं 2। ओके, तो हमें 2 में जो फ्लक्स निकालना है 1 की वजह से वो उतना होगा 1 में 2 की वजह से, तो स्टूडेंट करंट तो हम इसमें फ्लो करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इसका फ्लक्स जो है हम किस में निकालेंगे, सोलिनॉइड के एरिया में, तो ये बराबर आएगा स्टूडेंट दैट इज, और हम सिंपली इसको फाई लिखेंगे, ये बराबर आ जाएगा बी द फील्ड ऑफ द रिंग मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द सोलिनॉइड। ओके, तो दिस विल बी, ये एक्चुअली स्टूडेंट बी जो आएगा हमारा रिंग की वजह से आगे, और एरिया जो इसका पाई आर स्क्वायर हो गया सोलिनॉइड का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो यहाँ से आएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इंड्यूस ईएमएफ स्टूडेंट निकालना है हमें, और ये बराबर आएगा माइनस डी फाई ओवर डी टी, दिस इज माइनस डी फाई स्टूडेंट, ये हमारा आ गया बी इंटू पाई आर स्क्वायर डी टी। ओके स्टूडेंट, इसमें देखिए ये एरिया कॉन्स्टेंट हो गया और यहाँ पे जो हमारा आ गया कॉन्स्टेंट डी बी ओवर डी टी,
बाकी सब कांस्टेंट मैंने रख दिया, केवल वी वेरिएबल होगा और बी भी डिपेंड करेगा स्टूडेंट किसके ऊपर, आई के ऊपर। तो एज वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इसलिए डी वी ओवर डी टी स्टूडेंट हो जाएगा हमारा डी आई ओवर डी टी के प्रोपोर्शनल। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ गई। तो अब आपको करना क्या है, इसमें आई की वैल्यू रखिए, आई जो हमारा है वो ये देगा आई नॉट इंटू दिस, तो टी का मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ रख दिया, ये आगे निकल के स्टूडेंट आई नॉट टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और इसको मैंने टी के रेस में डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, और ये वैल्यू निकल के आ गई स्टूडेंट जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसमें, आई नॉट वन माइनस टू टी। ओके, जब ये वैल्यू डी वी ओवर डी टी स्टूडेंट जब मैं यहाँ पे रखूंगा इसकी जगह पे, तो देखिए इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल के आएगा हमारा के टाइम्स आई नॉट वन माइनस टू टी। ओके, एक तो स्टूडेंट ये समझिए, देखिए जो डी वी ओवर डी टी दैट इज डी आई ओवर डी टी, इसका स्लोप जीरो जो है, स्लोप जीरो इंडिकेट करता है कि कहीं डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे करंट अगर ऐसे है और यहाँ पे जो है स्लोप जीरो दैट इज डी आई ओवर डी टी, तो डायरेक्शन बदलेगी। अगर मैं स्लोप जीरो कर दूं, दैट मीन्स इसको जीरो कर दूं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो एक तो ये इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, इस डी आई ओवर डी टी को जीरो किया मैंने, दैट इक्वल टू आई नॉट दिस इज वन माइनस टू टी, इसको जब जीरो किया मैंने तो ये बराबर जीरो होगा, वन माइनस टू टी बराबर जीरो होगा स्टूडेंट। ठीक है, और टी बराबर आगे निकल के हाफ सेकेंड दैट इज पॉइंट फाइव सेकेंड यहाँ से। ओके, दिस इज टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो एक तो स्टूडेंट यहां से समझ आ गया कि यहाँ स्लोप जीरो है, तो इसका मतलब डायरेक्शन करंट की बदलेगी यहां से बाद। ठीक है, और इसके यहां पे जो है जब आप इसको रखेंगे डी आई ओवर डी टी यहां जीरो रखेंगे तो ईएमएफ कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये जीरो करने पे जीरो आ जाएगा। तो आपसे स्टूडेंट फोर्थ जो ऑप्शन है जिसमें टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड डायरेक्शन ऑफ आई आर चेंज करेगी और वी आर जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी नीड ए मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 150 mm एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 5 mm, द फोकल लेंथ ऑफ आई पी शुड बी क्लोज टू। ये ऑप्शन स्टूडेंट दे रखे हैं और ये स्टूडेंट ये जेई मेन्स 2020 का जनवरी में आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें हमें क्योंकि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब दे रखी है तो इसमें सीधे हम फॉर्मूला ये लगा देंगे, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होता है ना स्टूडेंट, तो उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ ओ, इसमें एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एल लेंथ ऑफ द एंड वन प्लस डी अपॉन एफ ई, डी इज द लीज डिस्टेंस टू डिस्टिंग विजन, एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो स्टूडेंट इसमें बस आपको क्या करना है, एम जो नेगेटिव होता है ये दे रखा है आपको कितना 375, तो पुट दिस वैल्यू दैट इज माइनस 375 इज इक्वल टू माइनस एल दिस 150, फोकल लेंथ दे रखे स्टूडेंट ये 5 mm ऑब्जेक्टिव की, ये 5 यहां रखिए एंड 1 प्लस डी 25 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में क्योंकि ये भी मिलीमीटर में रखा हुआ है, 250 डिवाइड बाई एफ ई। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम एफ ई के लिए तो ये करीब करीब 22 mm आ जाएगा। ओके, तो इसमें स्टूडेंट आपका जो ऑप्शन है वो बन रहा है आपका ए ऑप्शन बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये देखिए इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्ज शीट की वजह से, तो उसमें देखिए तो टू इन्फाइनाइट प्लेन्स ईच विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर शोन इन फिगर, दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 30 degrees, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इन बिटवीन द प्लेट्स इज। स्टूडेंट हमें इस सवाल के अंदर ये दो जो प्लेन्स हैं इनके जो दोनों पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में पूछा कहीं पर भी, और ये हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है और वो वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू सिग्मा बटा 2 epsilon naught। ओके, और सिग्मा स्टूडेंट इसमें चार्ज डेंसिटी है इसकी भी और इसकी भी है, और ये भी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे शीट के परपेंडिकुलर होगा,
क्योंकि लार्ज शीट है, ये भी लार्ज है और ये भी लार्ज है, तो इसका परपेंडिकुलर स्टूडेंट बनाइए, इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, और इसका जो है इसके परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट वो इधर होगा, वो भी ई के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का, एक इस शीट का परपेंडिकुलर इधर खींच दिया, इसका परपेंडिकुलर हमने इधर खींच दिया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ओके, तो देखिए हमने स्टूडेंट क्या किया, इसके लिए आसानी के लिए हमने ये गाइडलाइन खींच ली, इनमें ये 30, ये भी 30, ये ठीक है स्टूडेंट, ये 90 है तो ये 60 हो गया स्टूडेंट, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, रिजल्टेंट फील्ड जो आएगा यहाँ पे वो बराबर होगा, देखिए ई का ये कंपोनेंट ये जा रहा है नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस ई दिस cos 60 यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स कैप, एंड देन इसका एक कंपोनेंट स्टूडेंट नीचे की तरफ जाएगा और ई से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ई माइनस ई साइन 60 यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये स्टूडेंट आंसर आ गया, इसमें बस हमें ई को कॉमन लेना है, जो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये हमारा बच गया, देखिए इसमें से कॉमन ले लिया मैंने 1 माइनस साइन 60। ठीक है स्टूडेंट, ये वाई कैप हो गया, इसको एक्स को बाद में मैंने लिख दिया, ये आ गया cos 60 x कैप। ओके, और जब मैंने ये वैल्यू रखी इसमें ई की, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये वाली वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे रख दी मैंने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और 1 माइनस साइन 60 √3/2 वाई कैप माइनस cos 60 is ½। स्टूडेंट जब आप इसे देखेंगे आंसर आपका मैच कर रहा है किससे, डी से। ओके स्टूडेंट, अगली प्रॉब्लम हमारी, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ए सेपरेटेड ए डिस्टेंस डी बिटवीन देम, इट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक विच हैज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वेरीज kx इज इक्वल टू k टाइम्स 1 प्लस अल्फा x, वेयर x इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स, इफ अल्फा डी इज वेरी मच स्मॉलर देन 1, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाय द एक्सप्रेशन। स्टूडेंट देखिए, ये आपका कैप्चर दे रखा है, इसमें डायलैक्टिक जो है उसकी वैल्यू एक्स के साथ जो है क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, कॉन्स्टेंट नहीं है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें इसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे स्टूडेंट इसमें एक्स पर डी एक्स का, यहां पे हमने एक एलिमेंट चुना स्टूडेंट एक्स पर डी एक्स का। ठीक है स्टूडेंट, और अब इस एलिमेंट मीन्स इतनी थिकनेस का जो कैप्चर बनेगा इसके अंदर एरिया आएगा, ये प्लेट का एरिया पूरा आएगा ये, और केबल की सेपरेशन आएगा डी एक्स के बराबर। ओके, तो स्टूडेंट द जो कैपेसिटेंस होगा इस एलिमेंट का, वो डी सी इज इक्वल टू ε0 के द डायलैक्ट्रिक इन बिटवीन एंड देन एरिया एरिया ऑफ द प्लेट द होल एरिया डिवाइडेड बाई द डी एक्स, दैट इज सेपरेशन बिटवीन दीज टू। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमने के की वैल्यू रख दी यहाँ पे ε0 के जैसा हमें दे रखा है के टाइम्स 1 प्लस अल्फा x ए डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, अब अदर एलिमेंट जब स्टूडेंट लेंगे हम, तो इसमें से देखिए यहाँ भी एक एलिमेंट होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, और अदर कैपेसिटर्स आर इन सीरीज 1/1, दे आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट ऑल आर इन सीरीज मीन्स ऑफ इट। इसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इन ऑल दिस, तो बाकी जब आपके कैप्चर बनाएंगे और सभी जुड़ेंगे तो सीरीज में जुड़ेंगे, और जब स्टूडेंट सीरीज में जुड़ते हैं तो इन सीरीज में टोटल कैप्चर निकालने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, सीरीज का हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/c रिजल्टेंट 1/c1 प्लस 1/c2 एंड प्लस सो ऑन। इसको स्टूडेंट इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, अब इसको लिखा 1/c इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू पुट कर दी इसमें इंटीग्रेशन 1/d, दिस इज ये वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट 1/ दिस इज ε0 के 1 प्लस अल्फा x ए डिवाइडेड बाई डी एक्स। ओके, और स्टूडेंट ये देखिए ऊपर चला गया यहाँ से
डी एक्स ऊपर चला गया, नीचे आगे स्टूडेंट एप्सा नॉट के ए एंड वन प्लस अल्फा एक्स। स्टूडेंट देखिए इसमें वन प्लस अल्फा एक्स, ये वन अपॉन सी की वैल्यू निकल आएगी स्टूडेंट। इसमें डी एक्स अपॉन दिस द इंटीग्रेशन जब आप इसका करेंगे और लिमिट लगाएंगे इसमें, यहां एक्स जीरो से लेकर डी तक, ठीक है स्टूडेंट, जीरो से डी लगाएंगे तो ये एक्चुअली एक्सप्रेशन लॉग के फॉर्म में आएगा। दैट इज डी एक्स अपॉन, इस तरह का फॉर्मेट, डी एक्स अपॉन एक्स जब इंटीग्रेशन करते हैं लॉग एक्स आ जाता है और फिर लिमिट लगाएंगे आप इसमें। लेकिन चारों ऑप्शन में लॉग का कोई भी फॉर्म नहीं है, इसलिए इसमें एक ट्रिक यूज करना है स्टूडेंट। सबसे पहले एक काम करिए आप इसमें जीरो से डी इसको ऊपर ले जाइए, क्योंकि इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि ये बहुत छोटा है, इसमें अल्फा एक्स बहुत छोटा है, वन से अल्फा एक्स बहुत छोटा है, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक यूज किया डी एक्स और इसको ऊपर ले गए वन प्लस अल्फा एक्स की पावर माइनस वन और नीचे वाला टर्म एप्सिलॉन के ए ऐसे छोड़ दिया। और फिर क्योंकि ये बहुत छोटा है इसके मुकाबले, तो ये पावर जो बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, जब ये मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा जीरो डी, डी आ गया वन माइनस अल्फा एक्स डी एक्स अपॉन एप्सिलॉन के ए, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन गया आपका वन अपॉन एप्सिलॉन के ए, देन दिस इज एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू, और आप लिमिट लगाइए जीरो से डी, ठीक है स्टूडेंट। जब आप लिमिट इसमें लगाएंगे तो हमारी देखिए वैल्यू निकल के आएगी वन बाई सी इज इक्वल टू दिस इज वन अपॉन एप्सिलॉन के ए एंड दिस, यहाँ पे डी रखेंगे पहले तो डी माइनस अल्फा डी स्क्वायर बाई टू, ओके एंड देन माइनस जीरो माइनस जीरो, ओके। तो स्टूडेंट आप इसको देखिए सी के लिए पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लें, इसमें एक और ट्रिक यूज किया गया है, डी इसमें से कॉमन ले लेंगे आप, तो ये मैंने डी कॉमन ले लिया, बच के स्टूडेंट वन माइनस अल्फा डी बाई टू, ओके। जब आप इसे सी निकालेंगे तो सी स्टूडेंट निकल के आ गया, इसको डिनोमेटर के ऊपर ले जाएंगे के ए डिवाइड बाई डी वन माइनस अल्फा डी बाई टू, ओके। अगेन स्टूडेंट देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें जो ऑप्शन है इसमें माइनस किसी में नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं है, तो इसका आंसर निकालने के लिए फिर से हमने क्या किया दिस के ए और इस टर्म को फिर ऊपर ले गए माइनस पावर के साथ स्टूडेंट वन माइनस अल्फा डी बाई टू की पावर माइनस वन, ओके। और फिर क्योंकि ये वाला टर्म अल्फा डी बहुत छोटा है वन से, तो बाइनोमियल से फिर इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपके ऑप्शन आ गए स्टूडेंट के ए डिवाइड बाई डी एंड वन प्लस अल्फा डी बाई टू, ओके। तो स्टूडेंट देखिए इस ये जो ऑप्शन जो आंसर आपका आ रहा है स्टूडेंट ए से मैच कर रहा है ये, तो इसमें फिजिक्स की कॉन्सेप्ट के अलावा स्टूडेंट आपको मैथमेटिक्स की ट्रिक भी यूज करनी है, अदरवाइज आपका कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करेगा। समझ आ गया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअली स्टूडेंट इंटीजर टाइप का है या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है ये क्वेश्चन जो है, और 2020 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं ये क्वेश्चन जो है। ये सवाल है आपका ये बीम ऑफ ईएम रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी 6.4 10 टू माइनस 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज कंप्राइज ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 310 नैनोमीटर, इट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए मेटल सरफेस विद वर्क फंक्शन दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ 1 इन 10 टू पावर 3 फोटॉन्स इजेक्ट्स इन 1 सेकेंड देन 10 is to this 10 is over x, x क्या होगा इसमें बताना है स्टूडेंट, ठीक है। यहां देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो यह है कि इसमें से इतने फोटॉन्स केवल एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट कि हमें निकालना होगा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन करेस्पॉन्डिंग टू द गिवन वेवलेंथ। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन दैट इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, ओके। इसमें स्टूडेंट एस सी की जो वैल्यू है वो एस सच इसी यूनिट में रख दीजिए 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा जो हमारा 310 के बराबर होती है। स्टूडेंट ये निकल के आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो यूनिट थी आपकी ई वी नैनोमीटर थी, नैनोमीटर से नैनोमीटर कटेगा और ये इतना आ जाएगा निकल के, ओके। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट होगी वो जो है एक सेकेंड के अंदर वो पावर के बराबर होगी जो आपको दे रखी है, कितनी ये इंटेंसिटी दे रखी है स्टूडेंट ये, तो इसकी टोटल पावर निकालेंगे हम
कि सरफेस पे कितनी पड़ रही है, और ये सरफेस एरिया 1 cm². ओके, तो स्टूडेंट टोटल पावर दैट इज एनर्जी इन 1 सेकेंड, पी इज इक्वल टू आई इंटेंसिटी इनटू एरिया। ओके, और इंटेंसिटी हमें दे रही है स्टूडेंट 6.4 × 10⁻⁵ एंड दिस एक्चुअली इज cm², स्टूडेंट दिस इज cm² है। सो ये मल्टीप्लाइड बाई विद 1 cm², दिस इज 6.4 × 10⁻⁵ वाट। ओके, तो स्टूडेंट ये पावर आ गई, मीन्स एक सेकेंड में कितनी जो है एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकालने हैं हमें, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, वो पावर बटा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होती है स्टूडेंट। ये हमने निकाल दिया यहां से, डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, दिस इज 4 eV, दैट इज 4 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल बन गया। ओके स्टूडेंट, देखिए ये दिए कट गया यहां से 4 times, और ये आगे निकल गया स्टूडेंट 1 × 10⁻¹⁴। ओके, तो स्टूडेंट इतने फोटोन जो इंसिडेंट होंगे 1 सेकेंड के अंदर इस वाले सरफेस पे, ठीक है स्टूडेंट। और 10⁻³ मीन्स 1000 फोटोन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ओके, तो 10⁻¹⁴ कितना करेंगे स्टूडेंट, 10⁻¹⁴ / 3, 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रॉन्स आगे निकल के। ओके, तो स्टूडेंट जब आप इसको कंपेयर करेंगे यहां पे इसके साथ, तो एक्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट निकल के 11, ठीक है स्टूडेंट। तो आपकी यहां पे 10⁻³ ये 10⁻¹⁰, और ये आंसर आपका 11 आ गया। ओके स्टूडेंट, देखिए एक सवाल में, देखिए अभी अपनी शॉर्टकट बुक से ले रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अक्सर कर जो है ये आता रहता है, एक बार IIT में भी आ चुका है एक क्वेश्चन जो है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये मैं नंबर बताता हूँ, ये इलिस्ट्रेशन है बुक का, पहला चैप्टर है, चैप्टर वन का पेज नंबर है इसका स्टूडेंट 5, तो पेज 5 है इलिस्ट्रेशन। ये कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट सी ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, ये स्पीड ऑफ लाइट है स्टूडेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एच अगर फंडामेंटल यूनिट्स ले ली जाए सिस्टम में, तो हमें इस सिस्टम के अंदर लेंथ का डायमेंशन बताना है, प्लैंक्स कांस्टेंट ओके आर द फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन दिस सिस्टम, फाइंड डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन द सिस्टम। इसका सीधा मतलब स्टूडेंट हमें लेंथ की डायमेंशन निकालना है सी जी और एच के टर्म में। ओके, एज यूजुअल स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन कर रखा है आपको, जिसका तरीका आप जो 11th में करते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, जिसमें देखिए मैंने क्या किया, इनके कॉम्बिनेशन बनाया हुआ, मैंने पहले जी को एस से मल्टीप्लाई करना है और फिर सी क्यूब करना है आपको यहाँ से सीधे सीधे। तो जी की जो डायमेंशन हमारी m-1 LQ t-2, ये जी की डायमेंशन होती है, और एच की डायमेंशन होती है स्टूडेंट m L² t-1। ओके, और सी होता है स्टूडेंट L t-1, और इसका क्यूब कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहां से क्या मिलने वाला हमारा, जी एच अपॉन सी की जब आप करेंगे, तो देखिए यहां से आपकी एल की 3 हो गई, ये 3 केबल बचा यहां पे L², बाकी सब कट गई। चेक करिए इसमें T² यहां पे टी के बाद -3 हो गई, ये -3 टी से टी कट गया यहां पे स्टूडेंट, ये आपकी जो है एम कट जाएगी यहां से, एम का यहां +1 है या -1 है, एम 0 हो जाएगा, केबल यहां पे L² बचेगा। तो इसमें जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे L के लिए, तो ये आगे जी एच अपॉन सी क्यू, दैट इज G ½ H ½ and C^-3/2। तो स्टूडेंट देखिए ये अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें इस तरह से,
तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत आसानी से शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस पहला जो स्टूडेंट आपका लेक्चर है इसमें मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे।